85 में मेरा बेटा हुआ था और 87 में मेरी बिटिया हुई, तो मुझे बहुत खुशी हुई और मैं बिटिया को इतनी दिलो जान से चाहता था और बेटा हमेशा मेरे से डरता था लेकिन बिटिया मुझसे नहीं डरती थी। बेटा कोई भी बात होती थी तो अपनी बहन को बोलता था और वो आकर के मुझे बोलती थी, पापा भैया ऐसा बोल रहा है, भैया को ये चीज़ चाहिए आप उसको दीजिए, तो मैं उसको वो देता था। बड़ी हुई बिटिया, मैंने अच्छा पढ़ाया लिखाया, मास्टर डिग्री तक उसको कराया, फिर मैंने शादी करवा दी उसकी, राजी खुशी वो मजा में रह रही थी। सडनली अभी 2021 की बात है कि वो एकदम स्वस्थ थी, कि उसको कभी कोई इसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन सडनली एकदम मुझे नवंबर, ये इसी नवंबर महीने में 2021 में मालूम पड़ा कि उसके गिठान हो गई थी यहाँ पर। तो जब गिठान के बाद में उसको मालूम पड़ा कि वो बायोस्पी रिपोर्ट आई तो उसमें पता पड़ा ब्रेस्ट कैंसर है सर। तो मैं पूरा हिल गया था, मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता हूँ, उस दर्द को मैं बयान नहीं कर पाया था उस समय कि मैं कैसे रहूँ। वो भीलवाड़ा थी, मैं उदयपुर के पास में एक गाँव था मेरा, मैं उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर रहता हूँ। और सर मैं क्या बोलूँ, मेरे बेटे ने जब मुझे यहाँ से फ़ोन किया जयपुर से, तो पापा ये बात हो गई है, मैंने कहा तू इमीडिएट यार मेरे लिए कुछ कुछ व्यवस्था कर और मैं जयपुर पहुँच पाऊँ। तो बोला पापा वो सुबह ट्रेन से निकलेंगे, तो मैं वहाँ से इमीडिएट नाइट में मैंने अपनी व्यवस्था करी कि सुबह 6 बजे ट्रेन चलती थी वहाँ से उदयपुर से, मुझे गाँव था, मैं वहाँ से मैं उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर मेरा गाँव है, फिर मैंने टैक्सी करी, मैं वहाँ आया ट्रेन में। मैं अपनी बिटिया से बात नहीं कर पा रहा था और मुझे ये समाचार मिल गया था कि बिटिया से बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिटिया इतनी इमोशनल हो गई थी, क्योंकि इस बीमारी के बारे में कभी सोचा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में ये बीमारी भी आएगी। उसको कभी बीमारी थी नहीं, कभी उसको बुखार के लिए सुना नहीं था कि उसको बुखार भी आया। तो साहब जब मैं चित्तौड़ आया तो फिर अपने आप को मैंने रात वो बड़ी मुश्किल से निकाली, 2-4 कपड़े जो भी थे, मैं वाइफ और हम दोनों रहते थे साथ में, तो हमने वो कपड़े जैसे तैसे जाके डाले और ATM कार्ड लिया और मैंने कहा बाकी व्यवस्था भगवान सब कर देगा अच्छा सा। चित्तौड़ आया और फिर जाके मैंने अपनी बिटिया को फ़ोन लगाया, तो बिटिया की एक फ्रेंड है, कज़न फ्रेंड थी उसकी, तो फिर उसने बोला कि अंकल आप वो ट्रेन में नहीं जा कर के, वो अपनी कार से आ रहे हैं, तो आप एक काम करो आप भीलवाड़ा ड्रॉप हो जाओ। तो मैंने बोला नहीं, उसको प्रॉब्लम हो गई, मैं किशनगढ़ में उसके साथ मौज आऊँगा। तो बिटिया मुझे फिर वो उसकी फ्रेंड थी, उसने बोला आप किशनगढ़ नहीं, आप भीलवाड़ा ड्रॉप हो, आपको उसको भी थोड़ा सा ये इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। तो फिर मैं वहाँ से यहाँ आया साहब भीलवाड़ा, यहाँ उदयपुर आया, आते में और मेरे बेटे ने पूरी व्यवस्था करती थी, बेटा यहीं मेडिकल में ही काम करता है, तो उसने पूरी व्यवस्था करती। भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में गए, इमीडिएट उसका वापस बायोस्पी टेस्ट कराया गिटान का, और फिर डेट दी साहब और ऑपरेशन, आप सब लोगों की दुआ से बहुत अच्छा सा उसका ट्रीटमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ, और आप सब लोगों की दुआ ऐसी काम आई, मालिक की मेरे ऊपर इतनी कृपा रही कि उसको जो रिमूव करने वाली पोजीशन थी वो रिमूव नहीं हुआ, और उसके शायद 8 तो थेरेपी लगी और 16 उसके रेडिएशन लगा, और आज बिल्कुल वेल कंप्लीट है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बच्ची अब बढ़िया हो गई और मैं अब बहुत खुश हूँ, मेरी बिटिया के किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है आज, और अभी हम बिल्कुल एकदम ओके हैं। और आप सब लोगों की दुआ है, भगवान करना करे अब इस बीमारी से कोई सामना करे, क्योंकि मैंने सामना जो फेस किया वो मैं जानता हूँ, मेरी बिटिया का दर्द वो कैसे मैंने सहन किया और वो 8-9 महीना मैंने कैसे यहाँ क्रिटिकल समय जयपुर में निकाला। आप सब लोगों की दुआ के लिए दुआ करिए, प्रार्थना करिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सर।